हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द YouTube चैनल ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम मोहित पुनिया और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रायंगल्स। पहले दो चार मिनट बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो कभी कभार होता है दोस्तों कि टेलीग्राम ग्रुप 6 बजे की बजाय 5:50 पे खुल जाता है या 6 बजे की बजाय 6:30 खुल जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। जैसे कल रात को हमने बहुत लेट खोला टेलीग्राम ग्रुप, तो हो सकता है कि कभी लेट भी हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। मैसेज आते हैं, नोटिफिकेशन ऑन रखा करो, मैसेज जैसे ही आए आपको पता लग जाएगा। तो कल तो 11:30 बजे तक बच्चे बहुत बातें मार रहे थे, मेरे पास पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि सर बंद कर दो, बस अब सोना है। तो ये चलता रहेगा, इसके लिए ये ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। और रिगार्डिंग योर लेक्चर्स, बच्चे आपका नया शेड्यूल बन चुका है, अब आपको थोड़ा पैटर्न समझ में आएगा। फर्स्ट वीक में हम थोड़ी क्लासेस की जो आपके नंबर्स हैं वो इंक्रीज कर देंगे, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, ठीक है। और मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर मोटिवेशन दे दो, हमें मोटिवेशन नहीं आता सर पढ़ने का, मन नहीं करता है सर पढ़ने का, क्या करूं सर, प्रूफ वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। अरे दोस्तों, ये चीज समझिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कोई चीज करो और वो आपसे हो ना, क्योंकि हम वो बच्चे नहीं है जो चीज स्टार्ट कर दें उसको खत्म ना करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे आपको, आज से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ना ये पढ़ूंगा, मैं वोकैबुलरी अच्छी करूंगा, मैं मैथमेटिक्स के प्रूफ वाले क्वेश्चन अच्छे करूंगा, लेकिन कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? सिर्फ वो एक दिन सोच लेते हैं कि मुझे करना है और उस पर कायम नहीं रहते। और हम वो नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, हम वो बच्चे नहीं है जो खत्म एक चीज को खत्म किए बिना छोड़ दें। आप हमेशा ये याद रखना कि हमने वो स्टार्ट क्यों की थी, हम किसी अपने आप से बेटर होना चाहते थे इसलिए हमने वो चीज स्टार्ट की थी, तो उसको खत्म करिए, तभी आप बेटर होंगे, उसके रिजल्ट्स आपको बड़े पॉजिटिव मिलेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बोल दूं कि पढ़ो बेटा, पढ़ो 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 और आप पढ़ने लग जाओगे, वो पढ़ोगे भी एक दिन दो दिन, उससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बेटा, खुद के अंदर से जब तक आवाज नहीं आएगी, जब तक किसी चीज का, मान लीजिए कई बच्चे ये भी देखे मैंने, किसी के डर से पढ़ते हैं, डर से मत पढ़िए दोस्तों। आप उस दिन के बारे में सोचिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, आपके मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी होगी। बहुत सारे जैसे आप लोग में से भी मैक्सिमम बच्चों के लिए, मेरे लिए तो है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, मेरे लिए तो है, मेरे मम्मी पापा की खुशी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, तो उनकी खुशी के लिए पढ़ लीजिए। और तो कोई काम ही नहीं है आपको, सिर्फ पढ़ाई ही तो करनी है, उसके अलावा तो कुछ नहीं करना। वो बैन हो चुके हैं गेम्स तो, और जो वेले काम करते हैं उनका कुछ नहीं होता दोस्तों, भीड़ में घूमते रहते हैं। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रुक जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर रुक जाते हैं। ये नहीं करना दोस्तों, रेगुलरली पढ़ना आपको, और कोई काम ही नहीं है, पढ़ना ही तो काम है। सर खेलना भी तो होता है, अरे खेल लीजिएगा ना, खेलने को तो आप रिफ्रेशमेंट समझिए ना अपनी, आप पढ़ाई के टाइम पे खेल रहे हो, दैट इज रॉन्ग, मेरे हिसाब से वो गलत है, क्योंकि अभी आपको आपके पेपर आने वाले हैं, पढ़ना पड़ेगा। खेलना भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, हेल्थ आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप लोग नहीं कर रहे उतनी मेहनत, प्रूफ वाले क्वेश्चन नहीं होते, ऐसा कैसे हो गया? नहीं होता तो 2 बार करो उसको, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, लेकिन करो, क्योंकि हम हार नहीं मानने वाले, हम नहीं हारेंगे सर, हम बिल्कुल नहीं हारेंगे। आज आप डाउट बताओगे, आप नहीं बताओगे तो मेरे दोस्त बताएंगे, मेरे दोस्त नहीं बताएंगे मेरा टीचर बताएगा, मेरी बड़ी बहन बताएगा, बड़ा भाई बताएगा, लेकिन मैं वो डाउट सॉल्व करके रहूंगा, चाहे किसी से भी पूछना पड़े, मैं वो डाउट सॉल्व करके रहूंगा, चाहे मुझे खुद कहीं से करना पड़े, कहीं से देखना पड़े, आपके वीडियोज देखने पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं वो डाउट सॉल्व करके दिखाऊंगा सर। अगर आपके अंदर ऐसी मोटिवेशन अपने आप आती है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ मोटिवेशन ही सबसे बड़ी चीज है। आपको कोई दूसरा मोटिवेट कर देगा तो वो मोटिवेशन कम, डर ज्यादा हो जाता है, और वो मोटिवेशन भी अगर होगा तो 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, यही सबसे बड़ा रीजन है किसी के भी सक्सेसफुल होने का। आप कोई भी बड़ा आदमी उठा लीजिए, लोग उस पर हंसते हैं कि ये पागल है, ये ऐसा कर रहा है,
ये अलग है, ये पढ़ता रहता है, या ये बोलते हैं ना वो फर्स्ट बेंचर्स वर्सेस लास्ट बेंचर्स वाली कहानी, लास्ट बेंचर्स बहुत अच्छे होते हैं मेरे मानने में, तो फर्स्ट बेंचर्स भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसको आगे तक कौन लेके जाता है ये डिपेंड करता है। फर्स्ट बेंचर्स और लास्ट बेंचर की कहानी किसी दिन और डिस्कस करेंगे, चलिए छोड़िए, अब आप बताइएगा कि आप फर्स्ट बेंचर हो या लास्ट बेंचर, ठीक है, मेरे लिए तो दोनों ही बच्चा बराबर है। और कृपया बेटा, ये देख रहे हो, ये इनसे दूर रहिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आपका कॉन्फिडेंस गिरा देती है। कई लोग कमेंट करके नेगेटिविटी फैलाते हैं, कई लोग जैसे आपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखा होगा बकवास करते हैं, कुछ भी करते हैं, इग्नोर इग्नोर मार दो, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए आइए, आज हम लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स चैप्टर का। लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 में हमने कॉन्ग्रेंसी के कुछ रूल्स देखे थे, हमने देखा था बेटा साइड एंगल साइड एक्सियम देखा था, एंगल साइड एंगल देखा था, एंगल एंगल साइड देखा था, और दो हमने छोड़ दिए थे, वो दो आज हम कवर करेंगे। कौन कौन से थे? RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड, एंड दूसरा जो था SSS, साइड साइड साइड, वो आज मैं आपको करवाऊंगा। और आज हम बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जो आप लोगों को पता है क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सर दो साइड्स बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे दोस्तों, उन प्रॉपर्टीज को आपसे डायरेक्टली बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन उनकी जो यूसेज है बहुत ज्यादा है, कहीं पे भी किसी भी ट्राइंगल के चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन में वो यूज आ सकते हैं, तो इसलिए उसको ध्यान से रखिएगा। और वो चीजें आपको मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ सर ये तो हमें पता थी, लेकिन उनको प्रूव करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बेटा यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल देखेंगे, और जो दो क्राइटेरिया हैं वो रह गए थे, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। इन दो क्राइटेरिया को या आपके लिए, चलो आगे देखेंगे क्या होगा इस पे। आइए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल सबको पता है दोस्तों, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है। सर दो साइड हमें पता है, कोई भी दो साइड इक्वल कर दो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर प्रॉपर्टीज का मतलब क्या? ऐसी चीजें जो हमेशा ट्रू रहेंगी इसके ऊपर, इस ट्राइंगल के अंदर, उसी की हम बात कर रहे होंगे। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 देखो दोस्तों क्या कह रही है, द एंगल अपोजिट टू द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। और यू कैन से किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स दे रखी है इक्वल तो ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्राइंगल हुआ, तो उनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे सर, बराबर होंगे सर। वो कैसे होगा उसको देखते हैं दोस्तों। देखिए हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें गिवन क्या है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी है। ठीक है सर, लेकिन सर ऐसा कैसे हो गया, मतलब इसको प्रूव कैसे करें, ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, एग्जाम मान के निकल जाएंगे? अरे नहीं, कंस्ट्रक्शन नाम की चीज पता है आपको, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी दोस्तों यहां पे, क्योंकि आप देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्राइंगल्स, उसमें पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स किसमें होती है? दो ही टाइप, दो ट्राइंगल हो तभी तो कर पाएंगे, कौन एक ट्राइंगल के ऊपर क्या कॉन्ग्रेंसी लगाएंगे। तो हमने क्या किया, दो ट्राइंगल क्रिएट किए, कैसे क्रिएट किए ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन क्या किया दोस्तों, कंस्ट्रक्शन यहां लिख रहा हूं बेटा, कंस्ट्रक्शन क्या किया है, मैंने एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। अब ये सर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, मान लीजिए कोई भी एक एंगल है, जैसे ये ट्राइंगल ए बी सी दे रखा था बेटा आपको, दिस इज योर ए बी एंड सी। चलो इसको अगली स्लाइड पे आपको अच्छे से समझा देता हूं, जो जो चीजें हमें आगे काम आने वाली है वो बता देता हूं। देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल दे रखा आपको ए बी एंड सी। पहली बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। लेट अस अज्यूम मुझे एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बेटा। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी लाइन
जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जबकि इंटरसेक्ट कट करते हुए निकलता है। ठीक है सर। तो अगर एक ऐसी लाइन जो यहां से मैं ड्रॉ करूं और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। ऑब्वियसली ये किसी डी पॉइंट पे मीट कर रही होगी। ठीक है सर, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये एडी क्या है दोस्तों? एंगल बाइसेक्टर। ठीक है सर। और क्या हो सकता है बेटा, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलूं आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी साइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए एक ऐसी साइड, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि एसी के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है एंड ये बाइसेक्ट भी कर रही है, मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रही है, तो उस चीज को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका होगा? साइड का ही तो होगा। तो वी कैन से अगर मैं इसको एक्स वाई नाम दे दूं, तो ये जो एक्स वाई है बेटा क्या है? एक्स वाई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एसी। ठीक है सर, समझ में आ गया। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी वर्टेक्स से आएगी? नहीं सर, जरूरी नहीं है वर्टेक्स से आए। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है ना कि वर्टेक्स पे जाके जरूरी ही मीट करे। किसी ट्रायंगल में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता। ठीक है सर। एक और बात कर लेते हैं मीडियन की। मीडियन क्या होती है बेटा? किसी अपोजिट वर्टेक्स से उस साइड के ऊपर अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो कि सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो वी कैन से वो क्या होगी? मीडियन होगी। जैसे मान लीजिए इस सी पॉइंट से अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ये सामने वाली ए बी लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वी कैन से कि क्या होगा? ये मीडियन होगा। तो वी नाम देते हैं इसको सी एफ। सी एफ इज मीडियन। अब देखिए, कई बच्चों को डाउट होगा कि सी एफ और एक्स वाई में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है बच्चे। एक्स वाई में मान रहा हूं कि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लेकिन एक्स वाई क्या है? परपेंडिकुलर भी है। दूसरा, एक्स वाई जरूरी नहीं है वर्टेक्स से आ रही हो, लेकिन मीडियन हमेशा कहां से आएगी? वर्टेक्स से आएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट लाइंस है। एक मीडियन हो गया बेटा, एक बाइसेक्टर ऑफ द साइड हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक एंगल बाइसेक्टर। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मुझे प्रूफ क्या करना था इसके अंदर? प्रूफ करना था कि ए बी और ए सी के अपोजिट जो एंगल है, ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल है, ये हमें गिवन था। और हमें प्रूफ क्या करना था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो मैंने क्या किया बच्चा, एक कंस्ट्रक्शन की। वो कंस्ट्रक्शन क्या थी? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया मीटिंग बी सी एट डी। बस जैसे ही मैंने ये ड्रॉ किया बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे दो एंगल्स बराबर हो गए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ? दो एंगल बराबर हो गए। कौन कौन से दो एंगल? एक तो ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल सर, और दूसरा ये वाला एंगल। क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर का तो मतलब ही सर ये होता है कि दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे सर। ठीक है जी, बिल्कुल सही, समझ में आ गया सर। ये दोनों एंगल क्या है बेटा? ड्रॉ अलग अलग लग रहा होगा, लेकिन ये बराबर है। ठीक है, इन दोनों एंगल्स को बराबर कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। कौन से दो ट्राइंगल में? एक ट्राइंगल ए बी ए डी बी एंड दूसरा ए डी सी। ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, और इन दोनों के बीच में एंगल साइड, एंगल साइड। तो ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। ये आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिएगा ध्यान से, प्रूफ क्या है? अब वी कैन से प्रूफ में हम कैसे सॉल्व करेंगे?
प्रूफ में क्या कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे? बिल्कुल सिंपल है सर, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी एंड ए डी बी। बिल्कुल सही सर, पहली मैं बोल सकता हूं कि ए सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है सर। ये क्यों हुई? क्योंकि ये तो गिवन था, AC इज इक्वल टू ए बी। दूसरा आई कैन से एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन ये की थी, ठीक है सर। और तीसरा वी कैन से ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है सर। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी बी। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो वी कैन से कि बाय सिंपलिसिटी एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, और यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा थ्योरम था, जो प्रॉपर्टी थी वो क्या होगी? वो प्रूव होगी। तो अब हमें पता लग गया कि किसी एक ट्राइंगल में अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे अगर आप मुझे कोई बोल दे कि सर ये ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, अगर इस ट्राइंगल में ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ये भी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये सवाल आ जाए। तो सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया बेटा, कैसे निकालोगे आप इसको? देखिएगा ध्यान से, हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो अगर ये इसकी वैल्यू x हुई, इसकी वैल्यू अगर x डिग्री हुई तो इसकी वैल्यू भी x डिग्री होगी, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। तो वी कैन से 2x प्लस 30 डिग्री शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है सर। तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 75 डिग्री, और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा था, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है, क्या देखा हुआ है? इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, अब क्या बोल दिया बेटा कि दो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, देन द साइड्स अपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। सिंपल वही केस है बच्चे। अब हमें क्या बोल दिया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक है सर। एंड हमने कंस्ट्रक्शन सेम कंस्ट्रक्शन की है दोस्तों कि एडी को ड्रॉ किया विच इज द एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। तो एंगल एंगल और एक साइड मुझे कॉमन दिख रही है, तो वी कैन से ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर हम लिखना चाहें तो, एंड ट्राइंगल सी ए डी। पहले हमें क्या प्रूव किया था बेटा कि अगर दो साइड्स हैं उनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मुझे क्या बोलती है? अगर अपोजिट एंगल्स बराबर है तो साइड्स भी बराबर होंगे, मतलब वाइस वर्सा या इनवर्स, ऐसे बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ थ्योरम प्रॉपर्टी नंबर 1। तो हमें दे रखा है कि एंगल बी एंगल सी के बराबर है, ठीक है सर। तो वी कैन से एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंड एडी is equals to AD, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। तो we can say triangle BAD is congruent to triangle BAD is congruent to triangle CAD, ठीक है सर, समझ में आ गया। जैसे ही congruent हुए तो corresponding CPCT, corresponding parts of congruent triangle से we can say BA is equal to सी ए, और यही तो हमें प्रूव करना था, बी ए और ए बी इज इक्वल टू ए सी। यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड हैंस प्रूव्ड, लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बेटा, इजी इजी पार्ट है, जो टफ पार्ट है उसको अच्छे से समझाऊंगा, और कुछ टफ पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, वो देखेंगे। चलिए
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों कि इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स, ऑल्टीट्यूड क्या होता है सर, अब आपने समझाया नहीं, इस स्लाइड में आपने बता देते हमें तो हमें समझ में आया था। ऑल्टीट्यूड क्या होता है सर, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है बेटा, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है 90 डिग्री। पहली बात तो कैसे, किसी भी एक वर्टेक्स से, ये भी हो गया, ये लो, एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ करें और वो 90 डिग्री का एंगल बना रही हो उस साइड पे, उसके परपेंडिकुलर हो, तो हम उसे ऑल्टीट्यूड बोलेंगे। जैसे कि अगर इस ए पॉइंट से अगर मैं बीसी के ऊपर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जो कि एक एंगल बना रही है वो 90 डिग्री हो, तो वी कैन से ये जो लाइन ड्रॉ की बेटा कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वी कैन से बाइसेक्ट करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, वो ट्राइंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टीट्यूड। लेट अस अज्यूम ए एफ, तो ए एफ क्या है दोस्तों, यहां पे ए एफ इज ऑल्टीट्यूड। ठीक है, थोड़ी मेरी राइटिंग बहुत ही माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुंदर है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, गणितज्ञ हैं हम, बच्चा गणित पढ़ाते हैं हम, राइटिंग वाइटिंग थोड़ी ना होती है। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं, सर बहाने मार रहे हो राइटिंग के, चलिए कोई बात नहीं, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। इफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वन वर्टेक्स मतलब कि एंगल कितना दे रखा आपको, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये दोनों एंगल क्या है बच्चे, 90 डिग्री है। ठीक है, और फिर ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अब बोल दिया इसमें कि बाइसेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड को, देन प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है। तो हमें गिवन क्या है बेटा, ऑल्टीट्यूड ए डी है, फ्रॉम ए टू द अपोजिट साइड बी सी बाइसेक्ट बी सी, तो ये जो साइड है बी डी इज इक्वल टू डी सी दे रखा है, और ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो साफ साफ तो दिख रहा है सर दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कैसे सर, आप मत समझाइए, हमें समझ में आ गया, दो ट्राइंगल पहले से ही बन रहा है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, कौन से दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक तो ये वाला ट्राइंगल हो गया बेटा बी डी ए, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा हो गया, सी डी ए, साइड साइड के बराबर, ये एंगल एंगल के बराबर, और ये साइड कॉमन, ऐसे ऐसे दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो वी कैन से दोनों ट्राइंगल क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रेंट है, तो वी कैन से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। जैसे ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो सीपीसीटी से ये वाली साइड जो है इसके बराबर। हाँ जी, प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, बड़ा सिंपल सा सस्ता सा प्रूफ था, आप देखते ही बता सकते हो कि सर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं और खत्म कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। अब क्या बोल रहा है, इफ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट्स द बेस। अब बोल दिया, अब ये नहीं बोला कि बेस को बाइसेक्ट कर रहा है, पिछले पार्ट में तो बोल दिया था कि बेस को बाइसेक्ट कर रहा है तो प्रूव करिए आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें क्या बोल दिया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है, तो ऑल्टीट्यूड जो है वो बेस को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूव करिए। अब इसको कैसे करें सर, इसको कैसे करें, अब आप देखिएगा ध्यान से, आप इसमें एक थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, कौन सी, अभी आपने सीखी नहीं है लेकिन आपको ये पता है क्योंकि आप तो इंटेलिजेंट बच्चे हो, आरएचएस रूल तो पता ही है आपको, कौन सा सर, आरएचएस। तो आइए एक बार आरएचएस बता देता हूं आपको, देखिए ध्यान से, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड, किसी भी दो ट्राइंगल में राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड बराबर होती हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इसका प्रूफ वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इसका प्रूफ जरूर करके देखिए, दोनों पार्ट का, एक इस पार्ट का और एक एस 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 साइड 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 का प्रूफ आप लोग करोगे। जो बच्चा मुझे सबसे पहले प्रूफ भेजेगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भेजेगा, ऐसा नहीं कि ऐसे ही देखा कहीं पर छाप दिया, समझ के भेजेगा क्योंकि मैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता हूं, तो उसको मैं, मेरे को टैग कर दीजिएगा, मेरे को टैग कर दीजिएगा ग्रुप पे, फिर
उसको मैं शाउट आउट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ हो सकता है। जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज प्लानिंग की जा रही है दोस्तों। अगले हफ्ते फेब स्टार्टिंग में आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीजें होने वाली हैं, तो करते रहिए मेहनत, तब तक मेहनत जरूर करते रहिएगा। तो एक तो राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड अगर किन्हीं दो ट्राइंगल में होती है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं सर। इसका प्रूफ आप करोगे, अदरवाइज मैं बताऊंगा। और अगर तीनों साइड बराबर हो जाती है, देखो दोस्तों जब आप फिक्स कर रहे हो किसी ट्राइंगल को, तीनों साइड बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, ये चीज समझने की कोशिश करो। तीनों साइड बराबर है तो काफी होशियार बच्चों ने तो ये बोल दिया कि तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर है। मैं तीनों साइड आपस में बराबर की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूं, अगर इसकी ये साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। इसका प्रूफ आप मुझे बताइएगा, लेकिन इसको हम यूज कर रहे हैं अभी बच्चे, देखिएगा ध्यान से। हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी पे वापस आ जाते हैं। हमें प्रूफ करना है बेटा, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, एंड ऑल्टीट्यूड है ये 90 डिग्री बना रहा होगा। प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ठीक है सर, प्रूफ कर देते हैं। देखिएगा ध्यान से कैसे प्रूफ कर रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है बेटा, ये हाइपोटेनियस, ये भी हाइपोटेनियस, तो ट्राइंगल ए डी बी, डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ठीक है सर, ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, गिवन है, ठीक है सर। दूसरा ए डी, ए डी के बराबर है, कॉमन। एंड तीसरा एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्यों, ईच 90 डिग्री। तो वीकेंड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, आरएचएस से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए तो वीकेंड से बाय सीपीसीटी जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव भी हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी एंड बाय सीपीसीटी बी डी, बी डी इज इक्वल टू डी सी, डी सी, जो प्रूव करना था वो खत्म हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पार्ट में बेटा देखो क्या कह रहा है आपको, कि द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी बाइसेक्टर ऑफ अ वर्टिकल एंगल ऑफ ट्राइंगल, वर्टिकल एंगल का मतलब ये वाला जो एंगल है इसको मैंने वर्टिकल एंगल बोल दिया। ये आपको क्या कह रहा है बच्चे, कि इसका जो बाइसेक्टर है, तो एडी क्या हुआ, बाइसेक्टर जो है ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, तो इसका मतलब क्या है आपको, ये साइड इस साइड के बराबर दे रखी है, ठीक है सर, और ये एंगल वन एंगल टू के बराबर दे रखा है, ठीक है सर, समझ में आ गया। लेकिन सर अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, तो देखिए इसमें प्रॉपर्टी नहीं लग पा रही, इसीलिए मैंने क्या किया बच्चे, इसमें देखो क्या हो रहा है, एंगल साइड साइड ऐसी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं हमारे पास, तो वी कैन से कि हमें क्या करना पड़ेगा, वही अपना पुराना हथियार कंस्ट्रक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं इस केस में, ये देखिएगा ध्यान से, मैंने कंस्ट्रक्शन किया बेटा कि एडी को प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई। देखिए बेटा कंस्ट्रक्शन करते वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन वही पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए इस लाइन को मैं कितना भी एक्सटेंड कर सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत है कि ये इसके बराबर हो जाए, तो ये तो ट्रू है, ये तो स्टेटमेंट हम अज्यूम कर सकते हैं या ये कैसे यू ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आप ये ड्रॉ नहीं कर सकते कि मान लो यहां पे ई है, आ गया आपने ये बराबर ड्रॉ कर दी, इसके बराबर ये होगी, ठीक है सर, ये समझ में आता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते उसके बाद कि अब इसको ज्वाइन जब करोगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाए, ऐसा श्योर नहीं है, हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन आप उसको कंस्ट्रक्शन में नहीं बोल सकते कि प्रोड्यूस ए डी टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी, इतनी ठीक है।
and then draw a angle DEC such that this angle is equal to something. ऐसा जरूरी नहीं होता दोस्तों. तो आप कंस्ट्रक्शन वही करिए जो जायज है, फालतू की बातें नहीं करनी है, ठीक है. तो वी कैन से कि हमने ऐसे AD is equal to DE कंस्ट्रक्शन की and join E with C. E with C, ठीक है. अब देखिएगा ध्यान से, प्रूफ देखिए, बड़ा ही सरल सा प्रूफ है. क्या हो रहा है यहां पे, मैंने क्या बोला कि अब ये जो ट्राइंगल बने, कौन कौन से ट्राइंगल, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए सॉरी सी डी ई, सी डी ई क्या हो रहा है दोस्तों, देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये दोनों एंगल बराबर हैं. क्यों बराबर हैं, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर हैं. तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए सर. जो से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो वी कैन से, लिख देता हूं आपको, देखिए ध्यान से, ए डी इज इक्वल टू सी डी सॉरी डी. तो ये नेमिंग थोड़ा अलग हो जाएगा, ए डी बी एंड ई सी ई डी सी, इसको मैं लिख देता हूं ई डी एंड सी. तो ए डी इज इक्वल टू डी, बिल्कुल सही सर. एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है सर. एंड देन वी कैन से बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें क्या है, गिवन है. तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. बाय विच रूल, एस ए एस, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है सर. अब देखिएगा ध्यान से, अब हमें क्या यूज करें सर, यहां से तो सर मुझे ये पता लग रहा है कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया, अब क्या करें सर. तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ये भी पता लग गया, अब क्या करें सर. अब क्या हो रहा है यहां पे, ये चीज समझिए, हमें प्रूफ तो ये करना था कि ए बी सी डी के बराबर है, लेकिन हमने प्रूफ क्या किया, सी ई ए बी के बराबर है. तो अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, ये सोचने वाली बात है. तो अब दिमाग लगाते हैं, मान लीजिए कि अब मुझे तो ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ प्रूफ करना था सर, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के साथ प्रूफ करना था, ये कैसे होगा सोचिए. देखिए ध्यान से, मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है, कौन सा एंगल, एंगल डी ई सी, डी ई सी किसके बराबर हुआ एंगल, ये डी ई सी है तो ये डी ए बी के बराबर हुआ, एंगल डी ए बी के बराबर हुआ किससे, बाय सीपीसीटी. डी ए बी डी ई सी के बराबर हुआ बच्चे, बिल्कुल सही सर. इसका मतलब ये जो एंगल है यहां पे, ये भी एंगल वन हो गया, ठीक है सर, ये चीज समझ में आई. ये एंगल वन हुआ वन के बराबर, और अब देखिएगा ध्यान से, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल वन तो एंगल टू के बराबर है, हाँ सर वो तो गिवन था क्वेश्चन में, एंगल वन किसके बराबर है, एंगल टू के बराबर है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं बच्चे कि एंगल, ये तीनों एंगल क्या हो गए, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, और ये भी वन हो गया, ठीक है सर, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई. तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए अब सीपीसीटी का खेल था पूरा, कि जैसे ही मैंने एंगल वन इस एंगल वन के बराबर लिखा, तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए सी इज इक्वल टू सी ई, ठीक है सर. और यहां से मैंने क्या बोला था, सी ई इज इक्वल टू, सी ई इज इक्वल टू ए बी, ठीक है सर. ए सी सी ई के बराबर, सी ई ए बी के बराबर, तो ए सी इसके बराबर होगी दोस्तों, ए बी के बराबर होगी. और जैसे ही ये मैंने प्रूव किया तो क्या हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया. हमें यही तो प्रूव करना था, ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है. दोबारा बता देता हूं बेटा, मैंने देखा कि इस ट्राइंगल में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लग रही थी, तो मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया ई पॉइंट तक, सच दैट कि ये डी ई जो है वो इसके बराबर हो जाए, ठीक है सर. आपने एक्सटेंड कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, आपने E को C से ज्वाइन कर दिया. इन दोनों ट्राइंगल को ए डी बी एंड ई डी सी को मैंने क्या किया,
कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। जैसे ही मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया तो मुझे पता लगा कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो जैसे ही मुझे ये पता लगा, लेकिन मुझे तो पता था ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। सही है सर। उसके बाद अगर ये एंगल इसके बराबर है तो एंगल्स बराबर एंगल के अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं? बराबर होती है। तो AC CE के बराबर हो गया। ठीक है सर, लेकिन CE तो AB के बराबर था। तो ये वही गोल गोल घुमा के सेम बात कही जा रही है बेटा, सिंपलिसिटी का यूज कर रहा है। और इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग देन द टू थिंग्स आर इक्वल, एक्सियम यूक्लिड सर, वो हमें याद आते हैं और उसकी हेल्प से हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है और एक ही आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, ये दोनों प्रूव करके देखिएगा, नहीं होता है तो हम समझाएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है सर। ऑन द सेम बेस बी सी सच दैट द ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड डी बी इज इक्वल टू डी सी एंड वर्टिस इज ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ठीक है सर, दोनों इसके सेम साइड है। ये इसलिए दिया जाता है कि फिगर बना लो आप। अगर अभी तो फिगर दे रखा आपको, हो सकता है कि फिगर ना दे रखा हो तो फिगर इसको देख के बनाना पड़ेगा आपको। AD इज एक्सटेंडेड टू द इंटरसेक्ट BC एट P, देन शो दैट पहला ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD। ये यहां पे मिसप्रिंट है बेटा, ये क्या है ए बी डी आएगा। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी डी। देख रहे हो टीचर, देख रहे हो कितना होशियार आपका, क्योंकि मुझे पता लगे ए बी सी और ए सी डी तो कभी कॉन्ग्रेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए बी सी का तो पार्ट ही है ए सी डी, तो हमें यहां पे कहीं पे कंफ्यूजन हुई है। तो ये जो पार्ट है वो क्या है, ए बी डी एंड ए सी डी, ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। ठीक है सर। कैसे प्रूव करोगे कॉन्ग्रेंट, देखो ध्यान से, ये साइड इस साइड के बराबर, कौन से दो ट्राइंगल देख रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं दोस्तों और दूसरा ये वाला ट्राइंगल देख रहे हैं हम। ठीक है सर, ये तो बड़ा सिंपल हो गया बेटा। कैसे सर, देखिए ध्यान से, SSS आपने हमें समझा दिया था, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है सर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। ठीक है सर, एंड ये साइड क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल SSS से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ठीक है सर। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, AP bisects the angle A। bisects का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब जो AP लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। जब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया तो एंगल वन एंगल टू के बराबर तो आ ही गया, क्यों, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का हथियार, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास सर सीपीसीटी। जहां कहीं पे कुछ प्रूव करना था हम सीपीसीटी लगा देते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं और सीपीसीटी लगा देते हैं। तो एंगल वन एंगल टू को बराबर हो गया बाय सीपीसीटी। सो वी कैन से एंगल ए इज बाइसेक्ट बाय द लाइन सेगमेंट एपी। ये पार्ट भी सर प्रूव हो गया। लेकिन सर इससे तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों भी बराबर हो गए। हाँ बेटा, ये दोनों भी बराबर हुए। एंगल, लेट अस अज्यूम एक्स और वाई, यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। ठीक है सर। अगर एंगल एक्स में देखे ध्यान से, ये पूरा एंगल देखिए कौन से वाला, ये एपी एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, तो यहां पे जो पॉइंट है डी पॉइंट, उसमें दो एंगल्स बराबर हो गए, तो बाकी बचे हुए दोनों भी तो बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल बी डी पी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी। कैसे, देखिए ध्यान से, लेट अस अज्यूम, ये हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी बी, ए डी बी प्लस एंगल पी डी बी इज इक्वल, पी डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है सर। और यही किसके बराबर है, एंगल ए डी सी प्लस एंगल पी डी सी। ठीक है सर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, 180 डिग्री को गायब कर दूं बीच में से,
हाँ सर गायब कर दीजिए, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। लेकिन एंगल एक्स एंगल वाई के बराबर है, मतलब ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है सर। तो बचा कौन सा, पी डी बी इज इक्वल टू पी डी सी, यही हमें प्रूव करना था कि एंगल डी को भी बाइसेक्ट करा जा रहा है। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ट्राइंगल ए बी पी, सिंपल सा आ गया, ए बी पी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ए सी पी, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे बच्चे, ये तो खुद प्रूव कर सकते हो आप। कैसे सर, हमें तो नहीं आता, खुद सोचिएगा, बहुत ही सिंपल है, सबसे सस्ता यही है कि ये प्रूव करना है आपको, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जैसे ही आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्वेंट प्रूव करोगे, ए बी पी, ए बी पी एंड ए पी सी, जैसे ही कॉन्वेंट प्रूव करोगे तो एंगल थ्री एंगल फोर के बराबर हो जाएगा। लेकिन एंगल थ्री प्लस एंगल फोर किसके बराबर होना चाहिए था, 180 डिग्री के। जैसे ही 180 डिग्री के बराबर हुआ तो ईच एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एबीसीडी, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको दोस्तों। क्या होती है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब होता है दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है सर। इफ टू डायगोनल्स आर इक्वल, ये जो डायगोनल्स हैं ए बी और सी डी आर इक्वल, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी आंसर बताया तो 90 डिग्री है। कैसे, अरे साफ साफ तो दिख रहा है, देखिए ध्यान से, दो ट्राइंगल हैं, कौन कौन से, ए बी डी, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी एंड बी ए सी, बी ए सी। ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मुझे पता है ए डी जो है वो किसके बराबर है, बी सी के, क्यों, अपोजिट पेयर ऑफ साइड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है सर। दूसरा क्या बोल सकते हैं हम बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, कॉमन है सर, एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, क्यों, गिवन है सर, ठीक है सर। समझ में आ गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से रूल से, एस 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 से ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है सर, समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, अगर ऐसा होता है ए बी डी इज इक्वल टू कॉन्वेंट टू बी ए सी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये एंगल है, कौन सा एंगल, ए बी सी, इस एंगल में एंगल ए बी सी और इसके अंदर बी ए डी, एंगल बी ए डी, दोनों क्या हुए, बराबर हुए, कौन से, ब्रह्मास्त्र से सर, सीपीसीडी से दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मतलब कि ये जो एंगल है, पूरा एंगल ये जो पूरा एंगल है ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए हैं। इनका नाम हम ले देते हैं, ये भी वन है और ये भी वन है सर, ठीक है, ये समझ में आ गया। लेकिन सर मुझे ये पता है कि जो ए डी है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंड ए बी जो है क्या है, इज ट्रांसवर्सल, भूल तो नहीं गए, पढ़ा था हमने ट्रांसवर्सल, आप लोगों ने तो पढ़ा ही था, तो वी कैन से ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल वन प्लस एंगल वन इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, ब्रैकेट में लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है सर। तो वी कैन से एंगल वन कितना आ गया यहां से, 90 डिग्री, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल, साफ साफ दिख रहा है, जितने ट्राइंगल दिख रहे हैं कॉन्ग्रेंट करेंगे, कॉन्ग्रेंट करते ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही फर्जी सा सवाल है, सस्ता सवाल है, क्यों, देखिएगा ध्यान से, साइड टू साइड्स ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड द मीडियन ए डी
ऑफ द ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के जो ये एडी है और बीसी है, और एडी जो मीडियन है, मीडियन है तो ये साइड इसके बराबर होगी, एंड टू साइड्स ऑफ पीक्यू एंड क्यूआर, पीक्यू एंड क्यूआर एंड द मीडियन ऑफ पीएम आर ऑफ द वन अदर ऑफ द ट्राइंगल. अच्छा, इक्वल मिस कर दिया था हमने, क्या है, इक्वल है किसके बेटा, हमें क्या दे रखा है, ए बी जो है वो किसके बराबर है दोस्तों, पी क्यू के, बी सी जो है वो क्यू आर के, एंड ए डी जो है वो किसके बेटा, पी एम के. ठीक है सर, ये तीनों हमें दे रखी है, और क्या दे रखा है, ए डी मीडियन है तो ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी. ठीक है सर, समझ में आ गया. देन प्रूव द ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी पी क्यू एम के बराबर है. लो सर, इससे सस्ता सवाल क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल उठाया और ये ट्राइंगल उठाया, ए बी पी क्यू के बराबर है गिवन, बी डी क्यू एम के बराबर है, क्यों, देखिए ध्यान से, बी सी क्यू आर के बराबर है तो इनका हाफ भी बराबर होगा, और इनका हाफ क्या होगा, बी डी होगा और इस साइड से क्यू एम होगा, क्यों, क्योंकि वी नो दैट ए डी एंड पी एम आर मीडियन सर, तो वीकेंड से दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये साइड इस साइड के बराबर दे ही रखी है, तो वीकेंड से एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या होगे, कॉन्ग्रेंट होगे. सिंपल, देखो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व करना है ऐसे चुटकियों में. चलिए नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रेंट, सिंपल है बेटा, देखो ए बी सी, जब जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो ये वाला एंगल वन एंगल टू के बराबर आ गया, तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के बराबर, और ये एंगल इसके एंगल के बराबर, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए. देखो हवा में सॉल्व कर रहे हैं हम, बस दिमाग आपको तेज रखना है, शार्प रखना है, अटेंशन पूरी बनाए रखिएगा, नहीं तो कंसेप्ट ऐसे खो जाएगा. जिन बच्चों का खो रहा है उनके लिए लिख देता हूं, ए ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ब्रैकेट में कॉमन, सॉरी गिवन, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ब्रैकेट में गिवन, एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर. इक्वेशन वन में हमने प्रूव किया था, इक्वेशन वन लिख दीजिएगा इधर, तो आंसर क्या हो गया, वी नो दैट बाय एस ए एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, दोनों पार्ट आपके प्रूव हो गए दोस्तों. नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन सारे टाइप के करवा रहा हूं आपको. इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, इफ द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन प्रूव दैट दैट इट इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल. ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री. ठीक है सर, मतलब गिवन क्या है आपको, गिवन पहली बात तो ऑल्टीट्यूड आर इक्वल, मतलब कि बीई, बीई इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू ए डी, ये आपको गिवन है, एंड ऑल्टीट्यूड्स गिवन है तो एंगल बीई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी इज इक्वल टू एंगल, कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के. सिंपल, अब हमें प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट इट इज एन इक्विलेटर ट्राइंगल. ठीक है सर, तो हम क्या करते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल उठाते हैं, कोई दो ट्राइंगल प्रूव करते हैं कि कौन कौन से दो ट्राइंगल उठाएं. चलो स्टार्ट करते हैं जिसमें ये ऑल्टीट्यूड्स आ रहे हो. तो लेट अस अज्यूम मैंने ट्राइंगल उठाया बी ई सी एंड ट्राइंगल बी ई सी उठा लिया, और ट्राइंगल कौन सा उठाए, सी एफ बी उठा लें क्या. अगर सी एफ बी उठा रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा होगा, ये तो इसमें बी सी कॉमन आ रहा होगा, क्या करें, तो चलो कोई और उठा लेते हैं, ऐसे करते हैं ए डी बी उठाते हैं, क्या उठा रहे हैं, ए डी बी, चलो सी एफ बी उठाते हैं ट्राइंगल, पहले आपको पता तो लगे कि गलती कहां हो रही है, सी एफ बी. ठीक है सर, ये उठा लेते हैं, क्या पता इससे प्रूव हो जाए,
क्या पता हमने प्रॉपर्टीज जो सीखी थी उससे प्रूव हो जाए। तो देखिए ध्यान से, BC किसके बराबर है? BC के बराबर है यहां पे क्या है? कॉमन है सर। ट्राई करते यार, अगर अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। देखिए ध्यान से, BC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है सर। CE जो है वो किसके बराबर है? FB के। CE, सॉरी ये ट्राइंगल मैंने गलत लिख दिया, BFC आएगा, तो सॉरी यहां पे क्या आएगा? F आएगा, BFC एंड BFC एंड CB, CEF, CEB, CEB, सॉरी ये कमेंट मत करिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो ट्रायंगल कौन सा बेटा? BFC एंड ड्रॉ भी कर देता हूं, BFC ये वाला ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल BEC या CEB। तो वी कैन से BC BC दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ठीक है सर। कैन आई से कि CF जो है यहां से वो क्या है, किसके बराबर है? CF जो है वो BE के बराबर है। क्यों सर? ये तो गिवन था, ये क्या है? गिवन। और एक और इंपॉर्टेंट गिवन है हमें, एंगल BFC इज इक्वल टू BFC इज इक्वल टू CEB। क्यों? ईच 90 डिग्री, ठीक है सर। जैसे ही मैंने देखा तो कौन से रूल से? बाय RHS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट हो गए। फ्रॉम हियर यू कैन से एंगल CF CBF एंगल CFB CBF एंगल CBF CBF जो है किसके बराबर हो गया बेटा? इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जैसे दोनों एंगल बराबर हुए दोस्तों, देखो इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। जैसे ही बराबर हुए तो हमें पता है कि अगर एक ट्राइंगल में, कौन से में? ए बी सी में, दो एंगल्स अगर बराबर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं? बराबर हो जाएंगी। अपोजिट साइड्स क्या हैं? बराबर हो जाएंगी। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से, इसको नाम दे दिया दोस्तों एंगल वन और इसको नाम दे दिया एंगल टू। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू बाय सी पी सी टी इन ट्राइंगल ए बी सी। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, सो ए बी इज इक्वल टू ए सी। सिंपल, दो साइड बराबर आ गई। अब क्या करें सर? हमें तो तीनों साइड बराबर प्रूव करनी थी। तो यही सेम मेथड किन दो और ट्राइंगल में लगा लेते हैं। जैसे अभी मैंने ये ट्राइंगल लिया और ये ट्राइंगल लिया, तो अब आप कौन सा ले लीजिए? एक ये ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा? ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए ई बी। सेम प्रोसेस करोगे तो क्या आ जाएगा? कोई ए सी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा, या फिर ए बी इक्वल टू सी डी बी सी आ जाएगा। तो हमें क्या प्रूफ मिल जाए, वहां से क्या मिल जाएगा कि ए बी ए बी सी के बराबर है, लेकिन बी सी तो ए सी के बराबर है, तो तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। तो ये क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो बेटा आज एक और लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पहले एक चीज और बता देता हूं जो आपको होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपको मैं नेम कर देता हूं बेटा। ये एंगल वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है। तो आपको एंगल वन टू थ्री फोर में रिलेशन बताना है। अब रिलेशन ये नहीं कि भाई है सर, इसका बहन है सर, तो आपको बताना है कि ये क्या इक्वालिटी होल्ड करेंगे। एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल वन, ऐसे कुछ भी रिलेशन जो बन रहा है वो आपको बनाना है। तो ये आपका होमवर्क है। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा ध्यान से। इन द गिवन फिगर सी पी डी, ये वाला जो एंगल है बी पी डी के बराबर है, ठीक है सर। अगर ये बराबर है तो ये एंगल किसके बराबर हो गया? इसके बराबर हो गया सर। कैसे? क्योंकि मुझे तो पता है, इसका नाम देता हूं वन टू थ्री फोर।
ये एंगल 1 2 3 4 अलग दिया था मैंने, ध्यान रखिएगा। तो यहां से हमें क्या दे रखा है बेटा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, बट मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल 1 एंगल 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो एंगल 3 किसके बराबर आया, एंगल 4 के बराबर। ठीक है सर, एडी इज द बाइसेक्टर, एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी का क्या है बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया। ठीक है सर, और एक ये क्या था, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया था। ठीक है सर, तो फिर क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल सीएपी सिंपल सा तो है, देखिए ध्यान से, ट्राइंगल सीएपी, सीएपी बीएपी, बीएपी के क्या है कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, बीच वाली साइड कॉमन, एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए, और फिर ये सीपीसीटी से बराबर हो गया। इतना सिंपल सा सस्ता सा सवाल था सर, इजी क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में इनइक्वालिटी स्टार्ट करेंगे और ट्राइंगल्स चैप्टर के बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।